नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। हम हमारे वीडियो के विषय पर आते हैं कि सुख और दुख मानसिक अवस्था के परिणाम है। जो चीज़ सुख का आधार होती है वही दुख का भी आधार बन जाती है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि पत्नी बड़े प्यार से खाना बनाती है, उसने आपके लिए सभी मनपसंद व्यंजन बनाए हैं। आप खाना खाने बैठे, पत्नी ने क्लीनर से थाली सजाई, आपको देखकर अच्छा तो लगा पर मन किसी उधेड़बुन में लगा हुआ था। खाना खाना शुरू किया कि सब्जी में नमक ही नहीं था, दूसरा कोर दूसरी सब्जी से लिया, ओह इसमें तो दुगना नमक है, एकदम खारी, सिर तो पहले ही गर्म था। पत्नी को खरी खोटी सुनाई और थाली से उठकर चले गए, थाली को ठोकर मारी और चलते बने। आप अपने काम धंधे पर निकल गए, उधर पत्नी रुआंसी हो गई, उसकी छोटी सी गलती से सारे अरमानों पर पानी फिर गया, उसकी खुशी का सैलाब दुख में बदल गया। अब इस भोजन की थाली का वह क्या करे। तभी किसी भिखारी की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी खाने को कुछ मिलेगा क्या, दो दिन से भूखा हूँ। महिला ने ठुकराई गई थाली उठाई और उसे दे दी। खाना देखकर वह तो बहुत खुश हो गया, वाह आज तो सुबह सुबह किसका मुंह देखा, किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा होगा, जो खीर पूड़ी दो सब्जियां लापसी, आज तो मज़ा ही आ गया। वह खाना खाने बैठा, एक सब्जी चखी तो वह खारी थी, दूसरी चखी वह फीकी थी, उसने दोनों सब्जियों को मिला दिया, नमक बराबर हो गया, मस्ती से खाना खाया उसने और खाकर वह चला गया। अब यहीं पता चलता है कि एक आदमी के लिए वही भोजन शांति का कारक हो गया और दूसरे के लिए अशांति के निमित्त बन गया। हमारे उद्वेलित मन के द्वारा ही जीवन की शांति और अशांति निर्धारित होती है। सुख और दुख सदा एक जैसे भी नहीं रहते। कभी इंसान को किसी चीज़ से एक इंसान को दुख महसूस होता है तो उसी को उसी चीज़ से सुख महसूस होता है। तो हमने आज इस छोटी सी एक स्टोरी से, एक कहानी से इस आशय को समझने का प्रयास किया कि सुख और दुख हमारी मन की अवस्था है। वही चीज़ एक के लिए सुख का आधार बनती है और दूसरे के लिए दुख का आधार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इसका आशय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या कहानी का आशय वाकई ही अच्छा है, क्या वाकई ही यही है हमारी सुख और दुख की अवस्था का आधार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।